तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे SHG होता क्या है, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते क्या है। तो क्लास 12th में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आता भी है, चाहे नॉर्मल पेपर्स हो या बोर्ड हो, उसमें SHG के बारे में पूछा जा सकता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, फ्यूचर में भी। और देखो, मैंने एक छोटा सा बिल्कुल नोट आपके लिए लिखा है कि मतलब 3-4 नंबर में अगर आता है या जो भी है, तो आप ये पॉइंट्स अगर याद रख लो तो अच्छा खासे नंबर आपको पूरे पूरे वहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर है? तो ये हमारे पास एक छोटा सा मैंने एक नोट बनाया है, ठीक है, जिसमें आसान आसान से पॉइंट्स आप ले रखें ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए कि SHG होता क्या है, SHG होता क्या है। तो SHG की अगर हम बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होता है। देखिए क्या लिखा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर इनफॉर्मल ग्रुप्स। देखो, आराम आराम से पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट जो की वर्ड्स है इसका दिमाग में रखेंगे ताकि सेंटेंस बनाने में भी आसानी हो। अगर आप याद नहीं कर सकते एज इट इज, तो की वर्ड्स याद रख लो, उससे आप अपने आप सेंटेंस बना लेना। ये एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है, पहली बात तो। कौन सा ग्रुप होता है? इनफॉर्मल ग्रुप होता है दैट कंसिस्ट ऑफ पीपल हु फेस सिमिलर प्रॉब्लम। यानी ये उन लोगों की बात कर रहा है, ये इसमें वो लोग एक साथ आते हैं जो सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे होते हैं। SHG की अगर हम बात करें, आर ग्रुप्स ऑफ रूरल पुअर पीपल, ये गांव के गरीब लोगों की बात कर रहा है, स्पेशली वुमेन, इसमें जो आते हैं ज्यादातर औरतें आती हैं गांव की। क्लियर हो गया? पहली लाइन ध्यान से समझ लो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर इनफॉर्मल ग्रुप्स दैट कंसिस्ट ऑफ पीपल, इनमें वो लोग आते हैं हु फेस सिमिलर प्रॉब्लम्स, यानी एक जैसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जो गांव में। SHG आर ग्रुप्स ऑफ रूरल यानी गांव के पुअर पीपल, स्पेशली वुमेन की यहाँ पे बात हो रही है। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर टू, इसने बोला SHG की अगर हम बात करें तो आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स। इसको इम्पोर्टेंट सोर्स माना गया है किसका? माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज का। माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज का एक इम्पोर्टेंट सोर्स माना गया है टू द पुअर, जिससे क्या जो गरीब लोग हैं छोटे मोटे जो ऋण है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज का के लिए क्या माना गया, इसको इम्पोर्टेंट टूल माना गया। आगे, दे ऑल्सो एनकरेज द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द पुअर, और ये गरीबों में पैसा बचाना है, बचाने की जो आदत है उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा पैसे बचाओ ताकि फ्यूचर में आपको काम आए। तो दो पॉइंट समझ में आ गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं वो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं उन लोगों को, ठीक है, जो कि सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। नंबर दो, इसमें गांव के रूरल पुअर पीपल आते हैं, स्पेशली वुमेन। पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुका है। नंबर दो में मैंने बात की SHG आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस सर्विस, यानी माइक्रो फाइनेंस सर्विस यानी छोटा यानी सूक्ष्म यानी छोटे मोटे लोन के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। दे ऑल्सो एनकरेज, और साथ साथ ये एनकरेज करता है द हैबिट यानी आदत किसकी, ऑफ सेविंग, की पैसा बचाओ अमंग द पुअर। क्लियर हो गया? आगे लिखा हुआ है SHG इज प्ले अ वाइटल, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट होता है, तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन गिविंग क्रेडिट एक्सेस टू द पुअर। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, गरीबों को छोटा मोटा लोन एंड ऑल मिल सकता है, बड़े प्यार से मिल जाता है, एंड दिस इज एक्सट्रीमली क्रूशियल इन पॉवर्टी एलिवेशन। मतलब गरीबी हटाने के जो प्रोग्राम्स एंड ऑल चलते रहते हैं, गरीबी हटाने की बात होती है, उसमें SHG क्या है, एक मेन रोल क्या कर रही है, यहाँ पे प्ले कर रही है। आगे लिखा है, दे ऑल्सो प्ले अ ग्रेट रोल इन एम्पावरिंग वुमेन, यानी एक तरह से महिला को सशक्त बना रही है। ठीक है, बिकॉज SHG हेल्प करती है वुमेन को, ठीक है, फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन टू बिल्ड सोशल कैपिटल। वो महिलाओं को एक तरह से हेल्प कर रही है, उनको सशक्त बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि क्या है, एक जो महिला भी है वो इकोनॉमी में क्या अपनी भागीदारी बढ़ा सके और वो भी हमारी एक सोशल कैपिटल बन जाए। ठीक है, टू बिल्ड सोशल कैपिटल, ताकि सोशल कैपिटल अच्छी हो जाए हमारी। ठीक है, आगे लिखा, एक टिपिकल SHG के पास 15 से 20 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं 10 से 12 भी लिखा होगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। 15 से 20 मेंबर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं हु मीट एंड सेव रेगुलरली। देखो क्या कह रहा है, इसने बोला यहाँ पे एक टिपिकल SHG के पास 15 से 20 मेंबर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि आपस में मिलेंगे और सेव करेंगे रेगुलरली। सेविंग पर मेंबर जो होती है वो वेरीज, वेरीज मतलब होता है चेंज होता रहता है, वेरीज फ्रॉम 25 रुपीज से 100 रुपीज, यानी 25 रुपये से 100 रुपये के बीच में
ये बंदे पैसा सेव करते हैं और मोर, और थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, यानी जो पैसा यहाँ पे जो सेव किया जा रहा है वो आपका क्या नाम है, कितना से कितना बोला उसने, 25 से 100 रुपए के बीच में या उससे ज़्यादा भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव। अब देखो गरीब लोग हैं तो ज़्यादा की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे, हजारों लाखों की बात नहीं करनी, करोड़ों की बात नहीं करनी, 25 से 100 रुपए आपको रखना है या इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, जो भी आप रख सकते हो, एबिलिटी के ऊपर है कि वो बंदा इतना दे सकता है, सेव कर सकता है या नहीं कर सकता। देन आगे आफ्टर अ ईयर और टू, एक साल या दो साल बाद, ठीक है, इफ़ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग, अगर वो लगातार सेविंग हो रही है तो इट बिकम्स एलिजिबल, तो वो एलिजिबल हो जाता है फॉर अवेलिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक। तो जो उन्होंने SHG के फॉर्म में, यानी पूरा देखो एक पूरा ग्रुप बना था, उस ग्रुप का एक अकाउंट बना होगा, उस अकाउंट जो मतलब बैंक में अकाउंट है, ठीक है, वहां से अब आप लोन अवेल कर सकते हो। आगे लिखा है जो लोन सैंक्शन होगा, सैंक्शन मतलब मंजूर होगा, वो होगा इन द नेम ऑफ द ग्रुप, यानी ग्रुप के नेम पे होगा बेटा, किसके नेम पे होगा, ग्रुप के नेम पर होगा ये लोन, एंड इज मीन्ट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और ये जो लोन लिया जाता है इसलिए लेते हैं वो बेचारे फिर, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मतलब जो है, ठीक है, उसको क्रिएट कर सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सके। बात समझ आ गया, तो पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। इसने बोला अ टिपिकल SHG हैज 15 to 20 मेंबर्स, 15 से 20 मेंबर्स इसमें होते हैं, हु मीट एंड सेव रेगुलरली, जो कि आपस में मिलेंगे और आपके थोड़ा थोड़ा करके रेगुलर फॉर्म में ये पैसे जमा करते हैं। सेविंग पर मेंबर वेरीज फ्रॉम सेविंग, जो है वो आपका 25 से 100 रुपए के बीच में या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ पुअर पीपल, यानी जो गरीब लोग हैं बेटा उसकी एबिलिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो कितना सेव कर सकता है। आफ्टर अ ईयर और टू इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग, अगर वो रेगुलर है सेविंग में, पैसे लगातार जमा कर रहे हैं सबके सब, तो फिर वो एलिजिबल हो जाता है फॉर अवेलिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक, तो बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए वो मतलब अवेल हो जाते हैं, वो अवेल कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, और जो लोन होगा वो ग्रुप के नेम पे जाएगा, ये है ना। और साथ ही साथ ये जो पैसा है ये क्यों लेते हैं जाते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए या पर्सनल पर्पस के लिए भी ले सकते हैं, पर्सनल पर्पस पे भी पैसा ले सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए एक तरह से ये लिया जा रहा है, ठीक है। आगे इट प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड करता है कोलेट्रल फ्री लोन, बेटा ये जो लोन आप लोगे यहाँ से SHG से, ये जो आपने बैंक से लोन लिया यहाँ पे, ये कोलेट्रल फ्री लोन होता है। कोलेट्रल फ्री लोन का मतलब होता है ऐसा लोन जिसके लिए आपको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, यानी कोई एसेट्स, कोई स्टॉक, कोई आपको गिरवी रखने की जरूरत नहीं, कोई परिसंपत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, विद द टर्म डिसाइडेड बाय, ठीक है, बट कुछ टर्म्स होंगी जो कि डिसाइडेड बाय द ग्रुप एट द मार्केट ड्रिवन रेट्स, ठीक है, जो मार्केट में जो रेट चल रहे हैं उस रेट के हिसाब से जो भी मतलब जहाँ पे जो टर्म्स एंड ऑल होगी उन सबको देख दुख करके ये लोन दिया जाता है। बट इस लोन के लिए कोई आपको सिक्योरिटी यहाँ पे गिरवी रखने की बात नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। तो इट प्रोवाइड्स कोलेटरल फ्री लोन, यानी आपको कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखनी है, विद द टर्म्स डिसाइडेड बाय द ग्रुप एट द मार्केट ड्रिवन रेट्स, जो मार्केट में रेट चल रहे हैं उसको देखते हुए आपको लोन दिया जाएगा, टेंशन मत लो। बेनिफिट्स क्या है SHG के, पहला ये सोशल इंटीग्रिटी को बढ़ाता है, सोशल इंटीग्रिटी को बढ़ाता है, ठीक है ना, क्या करता है, सोशल इंटीग्रिटी को ये बढ़ाता है। नंबर दो उसने बोला जेंडर इक्विटी को भी ये बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, जेंडर इक्विटी को ये बढ़ाता है ये, ठीक है ना। देन थर्ड पॉइंट इसका लिखा हुआ है कि वॉइस टू मार्जिनल सेक्शन, यानी जो देखो मार्जिनल सेक्शन जो होते हैं, मतलब जो आपके जो छोटे सेक्शन बोल रहे थे, ठीक है, वो भी क्या एक मेन रोल प्ले करते हैं बेटा, किसमें वो मेन रोल प्ले करते हैं, गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट एंड ऑल हो सब में बेटा, वो भी कहीं ना कहीं से समाज का हिस्सा है, तो उनकी आवाज़ को आगे तक पहुँचाने में ये भी मदद करता है SHG एक तरीके से, ठीक है। देन उसके बाद, ठीक है, उसके अलावा इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट की जो स्कीम आती है उसकी एफिशिएंसी को ये इम्प्रूव करने में मदद करता है, और करप्शन जो हो रहा है, ठीक है, थ्रू सोशल ऑडिट्स, ठीक है, तो रिड्यूस करता है करप्शन को कम करने की कोशिश करता है थ्रू सोशल ऑडिट, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट की जो इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, एंड साथ ही साथ रिड्यूस करता है करप्शन थ्रू सोशल ऑडिट, ये पॉइंट समझ में आ गया। देन उसके अलावा बैंकिंग लिटरेसी, यानी बैंक के बारे में ज्ञान, जैसे अभी आपने देखा था एकदम से 2014 में जनधन योजना आया कि हर एक को अकाउंट खुलवाने की बात हुई थी वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था, तो बैंकिंग लिटरेसी की बात अभी भी हुई रही है लगातार, ठीक है। तो सोशल इंटीग्रिटी में एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि सोशल इंटीग्रिटी को बढ़ाने की बात हो रही है, ताकि जो आपके यहाँ जैसे जो दहेज प्रथा है, फालतू की जो अर्ली मैरिज का कॉन्सेप्ट एंड ऑल है, इन सबको
खत्म किया जाए, महिला भी सशक्त बने, ठीक है ना। तो सोशल इंटीग्रिटी को बढ़ाया गया, जेंडर इक्विटी यानी इक्वलिटी लाने की कोशिश की गई, वॉइस टू मार्जिनाइज जो मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शन होते हैं, वीकर सेक्शन है, उनकी आवाज़ को उठाने की बात हो रही है, इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम की एफिशिएंसी को बढ़ाने की बात हो रही है, और करप्शन को कम करने की बात हो रही है थ्रू सोशल ऑडिट। यहाँ पे सोशल ऑडिट लिखा, आप ऑडिट करके, ठीक है, इस करप्शन कम करने की बात हो रही है, बैंकिंग लिटरेसी को बढ़ाने की बात हो रही है, और इम्पैक्ट ऑन हाउसिंग एंड हेल्थ, और हाउसिंग और हेल्थ पे भी क्या है इसके मतलब इम्पैक्ट की बात कर रहा है कि जिस किस तरह से हेल्थ को सुधारा जाए, जो मॉर्टेलिटी रेट होता है उसको कम किया जाए, जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होता है कम किया जाए, डेथ रेट को कम किया जाए, ठीक है, इस टाइप की चीज़ यहाँ पे होती है, ठीक है, कि हाउसिंग हेल्थ कैसे मतलब एक बंदे की कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, तो यहाँ पे बात होती है। अगर आपसे कोई पूछे, एक पॉइंट याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि सेल्फ जो हेल्प ग्रुप्स है वो आया कब था, ठीक है, तो एग्जैक्ट तो डेट मुझे भी ध्यान नहीं, बट मैं जो यहाँ पे लिखा हुआ मैं पढ़ा देता हूँ। देखो, पहले एक सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन हुआ करती थी, सेवा, SEWA, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, 1972 या 1970 के आसपास हुआ करती थी, 72 के आसपास, ठीक है। तो ये पहले वुमेन्स के लिए काम कर रही थी, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन सेवा 1970 के आसपास ये काम कर रही थी वहाँ पे, जहाँ पे ये, बट उसके बाद जो हम SSG की बात करते हैं वो देखने को मिला वो कॉन्सेप्ट 1992 में, जब नाबार्ड जो कब आया था, ये तो मैंने आपको थ्योरी में भी पढ़ाया हुआ है, नाबार्ड 1982 में आया था, वो 1982 में नाबार्ड आया था, बट 1992 में यानी 10 साल बाद नाबार्ड ने क्या किया, फॉर्म्ड किया द SSG बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उसने SSG बैंक लिंकेज जो प्रोजेक्ट था उसको क्या किया, फॉर्म किया। तो वहां से आप डेट मान सकते हो कि नाबार्ड ने जब 1982 में, क्योंकि नाबार्ड आया था 1982 में, तो 1982 से 10 साल बाद 1982 में एक SSG नाम यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप नाम का कॉन्सेप्ट लाया गया, एक तरह से आप ये बोल सकते हो, ठीक है ना। तो जब भी पेपर में आया तो इससे, और सेवा के लिए बोलेगा, सेवा वाला जो मैंने अभी बताया, ठीक है, उसके लिए आप जो डेट रखोगे वो 1972 के आसपास की डेट है बेटा वो, ठीक है ना। कुछ जगह पे 1970 लिखा हुआ है, कुछ जगह पे 1972 लिखा हुआ है, सेवा यानी सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, ठीक है ना, 1970 या 1972 ये एग्जैक्ट डेट, ठीक है ना। तो 1970 दृष्टि जो काफ़ी अच्छा वो है उसमें लिखा हुआ 1970, तो मैं तो उसी को प्रेफर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी आप इसको लिख लीजिए, जो मैंने फुल फॉर्म बताया, फुल फॉर्म तो आपको काम आ सकती है, और इसके लिए अगर आप डेट याद रखोगे 1992 नाबार्ड के साथ, ऐसे याद रख लेना, नाबार्ड के साथ, नाबार्ड ने एक प्रोजेक्ट SSG लिंक्ड प्रोजेक्ट की बात की थी तो वहाँ पे ये नाम आया था, ऐसा पढ़ा सकते हो, ठीक है ना। तो चलो इस कॉन्सेप्ट कहीं पे रोक लेते हैं, क्योंकि काफ़ी मतलब हो गया, इतना काफ़ी होता है लिखने के लिए, इस चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा है एक तरीके से, तो आप इसको याद कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन अगर पेपर में आता तो आप इसको मत छोड़ना प्लीज़, ठीक है ना। चलो धन्यवाद दोस्तों।